साकला खुर्द में, और यह मतदान क्रमांक संख्या 114। यहाँ बताया जा रहा है ग्रामीण द्वारा कि 3 बार ईवी मशीन बिगड़ चुकी है, और अभी बज रहा है मेरे मोबाइल के टाइम में 5:33 हो रहा है, और अभी यहाँ अंदर लगभग 500 लोग वोटिंग डालने अंदर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा देखने में आ रहा है इस क्षेत्र में कि मशीन सबसे ज्यादा खराब हो रही है वहाँ। और अभी मान लो आपके 5 बजे फिर मशीन आई है, मतलब वोट डालने से वंचित सब लोग, वोट डालने से भी वंचित हैं लोग, कई लोगों को घुसने नहीं दे रहे, मतलब परमिशन लेना पड़ रहा है घुसने के लिए। तो अंदर तो सबने, बाकी बाहर वाले वोट सबने डाल दिया ना, बाहर वाले कई लोग हैं अभी जो 2 घंटा लेट हुए, मतलब 2 घंटे से मशीन बिगड़ी है, 2 घंटे से कई लोग बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों को परमिशन लेना पड़ रहा है अंदर आने के लिए। वो लोग तो अंदर चले गए होंगे ना, अंदर भी आ रहा है, आ भी रहे हैं, और अभी आने वाले कुछ लोग और हैं, उनको आने। आप देख रहे हैं हमारे साथ ही जो खड़े हैं वोटर, वोट डालने वाले, अभी घड़ी में बज रहा है 6 शाम के, और अभी तक इनका वोट नहीं डाला है क्योंकि यहाँ मशीन खराब हो गई थी, ये लोग वोट डालने से भी वंचित हैं। और पीटरसीन अधिकारी का कहना है कि रात 11 बजे वोटिंग गांव में होगी और पूरी वोटिंग करा के हमारे अधिकारी यहाँ से जाएंगे। पीटरसीन अधिकारी जुड़ चुके हैं और हम खड़े हैं ताकला खुद ग्राम में, और यहाँ कुछ मशीनें खराब होने के कारण बहुत से लोग वोट देने से वंचित भी रह गए हैं, और अभी 500 की भीड़ अंदर है और कुछ लोग बाहर भी हैं, तो हम अधिकारी से जानना चाहेंगे। लोगों का कहना है कि पीटरसीन अधिकारी हमको परमिशन दें जो हमारे वोटर रह गए हैं वोट डालने की, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मेरा कहना है, मैंने 5 बजे जी बाहर से पूरी घोषणा करवा दिया, यस, कि जो भी रह गए हैं पूरे क्षेत्र में, हाँ जी, मैं उनको सबको वोट देने के लिए इच्छुक हूँ, क्योंकि कि हमारी जो मशीने की बात आई है कि मॉक पोल शुरू होने के पूर्व से जी वीवीपैट और बैलेट यूनिट मशीन काम नहीं कर रही थी, उसमें हमको 1 घंटा का समय ज़्यादा लगा था, इसके बाद नई मशीन आई हमको प्राप्त हुई और हमने मतदान चालू किया, इसके बाद हमारी कोई शिकायत नहीं है। सभी पार्टियों के जो एजेंट थे वो हमारे सामने थे और उनके सबके समक्ष हमने मतलब माकूल किया, माकूल करने के उपरांत मशीन को पूर्णतः सबके समक्ष सीलिंग किया, इसके बाद से हमारी जो मशीन चालू है तो अभी भी चालू है, और हम सभी मतदाता जो यहाँ उपस्थित थे और हमने जो बाहर रह गए उनको हमने उसी से 5 बजे ये बोल दिया कि भलाई मेरे को 10 बज जा नहीं 12 बज जा, मैं मतदान कराने को तैयार हूँ, लेकिन आप हमारी बाउंड्री के अंदर लाइन में खड़े हो जाइए। ये था सर, मतलब जो रह गए उनका मतदान होगा। हाँ सर, मतदान होगा जो रह गए। पीटरसीन अधिकारी का कहना है कि अगर कोई मतदाता बाहर रह गया और वोट डालने से वंचित रह गया मशीन खराब होने के कारण, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रात के 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, हम पूरा वोटिंग करा के ही जाएंगे। संजय गाड़े MP24 न्यूज धारना बरघाट, अखिलेश पवार के साथ।